आज आखिरी दिन था, आज नामांकन के आखिरी दिन कई दिग्गजों ने नामांकन किया। नामांकन करने के लिए ट्रैक्टर चलाकर पूर्व सीएम मनोहर लाल सचिवालय पहुंचे और सीएम राज सिंह सैनी ने भी आज अपना नामांकन किया। तो बीजेपी की तरफ से इन दोनों ही दिग्गज नेताओं ने आज लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन किया है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि 31 साल के युवा से आपका मुकाबला है, इस पर पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मुकाबला जिनसे है वो कोई आपराधिक प्रवृत्ति का है, किसी का बेटा ईडी में फंसा है, कोई भगोड़ा है। मनोहर लाल यहां आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए नजर आए। कांग्रेस पर अपराध की दुनिया को बढ़ावा देने का आरोप भी लगा। तो सीएम राज सिंह सैनी ने बड़ी जीत का दावा किया। 11 की 11 सीटें एक बहुत बड़े मार्जिन से हम लोग जीतेंगे और 4 जून को 11 कमल के फूल खिलाकर नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेंगे। सर, कांग्रेस कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, आप कह रहे हैं हम जीतेंगे, क्या रहेगा माहौल? देखिए, ये जनता बताएगी, ना कांग्रेस बताए, ना हम बताएं, ना आप बताएं। आखिर विश्वास तुमको जनता पर करना पड़ेगा और जनता जो कुछ करेगी वो आपके भी सामने आएगा, कांग्रेस के भी सामने आएगा। तो कांग्रेस के युवा उम्मीदवार 31 साल के और आप 71 साल के, दोनों का मुकाबला है, क्या कहना? मुकाबला इतना ही है कि जो अपराधी वृत्ति के कांग्रेस के कैंडिडेट है सब जगह उभर करके सामने आ रहे हैं। एक भगोड़ा उम्मीदवार, एक कोई किसी का बेटा जो है ईडी में फंसा हुआ, किसी का विधायकों का बेटा इनके कैद में पड़े हैं। और यही नहीं, देश भर में जो इन्होंने अपराध की दुनिया को पनपाया है वो सब सामने आ रहा है। जनता को सब पता है, जनता किसको सेलेक्ट करेगी, किसको चयन करेगी, किसको वोट देगी, ये काम जनता का है। आज सभी नामांकन 11 के 11 पूर्ण हुए हैं। मैं सभी हमारे जो प्रत्याशी हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़े मार्जिन के साथ सभी हमारे सांसद प्रत्याशी हमारे बड़े मार्जिन से जीत करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम हरियाणा प्रदेश की जनता करेगी। हिसार लोकसभा सीट से जेजेपी उम्मीदवार नैना चौटाला ने भी आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला और दिग्विजय चौटाला मौजूद रहे। दुष्यंत की जांच के सवाल पर अजय चौटाला ने फिर पलटवार किया है, कहा कि रोका किसने है, फाइल उनके पास है, बयान देकर क्या साबित करना चाहते हैं। हिसार में चौटाला परिवार आमने सामने है। इस सवाल पर कहा कि परिवार हमेशा एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते आए हैं, ये प्रजातंत्र है। अजय चौटाला और रवि चौटाला भी पहले एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन प्रजातंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। इसमें कोई नई बात नहीं कि एक बार फिर से चौटाला परिवार आमने सामने होगा। हिसार लोकसभा सीट पर जयप्रकाश ने भी आज अपना नामांकन किया, लेकिन यहां कांग्रेस की गुटबाजी एक बार फिर साफ नजर आई। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके नामांकन में पहुंचे, लेकिन एसआरके गुट की तरफ से कोई भी वहां नजर नहीं आया। कुछ केस रीओपन करने की बातें सामने आ रही है सर, और एफिडेविट्स भी दिए जा रहे हैं, तो क्या ये दबाव की राजनीति? रोका किसने है, मेरी समझ में ये बात नहीं आती। फाइल उनके पास है, कानून उनके हाथ में है, करना उन्होंने है। रोज रोज अखबारों में बयान दे करके क्या साबित करना चाहते हैं जी? वो करें ना, कोई एक्शन लें, रोकता कौन है? कांग्रेस तो ये भी कह रही है अगर दुष्यंत पे कार्रवाई होगी तो उसमें मनोहर लाल पर भी होनी चाहिए, उन्हीं की सहसे हुआ है। तो वो उस टाइम मुखिया थे प्रदेश के, दुष्यंत मुख्यमंत्री थे। पहले भी अजय जी और रवि लड़े हैं, चाचा जी और पिताजी आपस में आमने सामने लड़े हैं, और मेरे सामने भी मेरे काक ससुर जो डॉक्टर केवी सिंह थे उन्होंने इलेक्शन लड़ा था डबवाली से, तो ये शायद कोई नई चीज नहीं है। गुरुग्राम लोकसभा सीट से जेजेपी उम्मीदवार राहुल यादव फाजिलपुरिया आज रेवाड़ी पहुंचे, यहां पर उन्होंने अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके अलावा रेवाड़ी और बावल विधानसभा के कई गांव में चुनावी जनसभाएं भी की। राहुल यादव ने भाजपा उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि राव इंद्रजीत सिंह ने ऐसे कौन से बड़े काम किए हैं जो उन्हें कद्दावर नेता कहा जाए। वो राजा परिवार में जन्मे हैं, विदेशों में रहे हैं, इसलिए उन्हें क्या पता कि गली मोहल्ले में लोगों की समस्याएं क्या हैं। आज भी यहां अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, मूलभूत सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पाती। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि 20 साल से उन्होंने कौन सा विकास कराया एक बार हम उनसे पूछना चाहेंगे। और मैं तो इस जनता को एक बात कहना चाहूंगा कि विकास के साथ साथ मनोरंजन करे, इससे अच्छा क्या होगा? ऐसा नेता कहाँ मिलेगा कि जो शाही परिवार से है, जो राजा खानदान से, जो सोने की चम्मच में पैदा होते हैं, तो विदेशों में घूमते हैं,
उन्हें क्या पता किस गांव में क्या कमी है, किस गांव में स्कूल चाहिए, किस एरिया में अस्पताल चाहिए, किस गली में पानी भरा पड़ा है। ये तो हमें पता है, हम लोगों के बीच में रहते हैं, हम उस पानी में डूबते हैं। तो मुझसे अच्छा क्या बताएंगे दूसरे लोग। राम ने आपको गवैया कहा जी, क्या जवाब देंगे आप? देखिए गवैया हूँ मैं, तो कहना चाहूंगा इससे अच्छी बड़ी बात क्या है, मेरे लिए तो सब कुछ है। आज जो मेरा नाम है उस गवैये के कारण, मैं तो उनसे कहना चाहूंगा, उनके पिताजी इतने बड़े गद्दावर नेता रहे, उनने ऐसा क्या गद्दावर काम किया है, कैसी अपनी जनता को दिया है, किस हलके को ऐसा दे दिया कि हम उनको गद्दावर नेता कहें। मैं तो उनको नेता नहीं मानता, मैं उनको गुमशुदा नेता हूं। खबर सिरसा से है, जहां के बेगू गांव के लोगों ने बड़ा ऐलान किया है। ग्रामीणों ने कहा कि वो इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे, राजनीतिक दलों को सबक सिखाना उनका मकसद है। सिरसा से ये गांव 7 किलोमीटर की दूरी पर है। वोट मांगने अगर गांव आएंगे प्रत्याशी तो ग्रामीण उनसे सवाल पूछेंगे। लंबे अरसे से ये ग्रामीण पीने के पानी को तरस रहे हैं। बेगू के लोगों का सीधा आरोप विधायक पर भी कि आज तक वो उनका हाल जानने नहीं आए, हर दल की सरकार ने सिर्फ लॉलीपॉप थमा दिया। प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया पड़ा है जी, ना बेगू में पानी है, जो नशा है जी, मान लो नशा सरकार चाहे तो शाम से पहले नशा बंद हो जाए। अगर चाहे बीजेपी सरकार है, चाहे कांग्रेस सरकार है, कोई भी सरकार है, इनको 31 वार्ड है, 31 गांव है, इनका कंपटीशन काम का करवाएं, देखते हैं कौन सा काम ज़्यादा गांव के करवाते हैं जी, हम सोचेंगे किसको वोट देने हैं जी। नहीं तो इस इलेक्शन के बाद इनको किसी को भी गाँव में घुसने नहीं दिया जाएगा जी। हम सारा गाँव इकट्ठे हैं, हमें कोई किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। हमारा गाँव बहुत दुखी है जी, कोई सुविधा नहीं है। जो जोड़ है उसका टेंडर हो चुका है, और टेंडर होने के बाद भी जो ठेकेदार और ये प्रशासन है ये अपनी मर्जी कर रहा है, और ये जो काम बीच में छोड़ के भागे। दूसरा हमारा वाटर बॉक्स, पीने का पानी, यहाँ कैंसर हो रही है जी, जो हमारा पानी है यहाँ बिल्कुल नीचे खराब है, और लोग कैंसर के मरीज होते जा रहे हैं। सर्वजातीय सरोखाप महापंचायत ने सर्वसम्मति से भाजपा और जजपा के प्रत्याशियों को लोकसभा में वोट नहीं देने का फैसला किया है। खापों की अगुवाई में ग्रामीण स्तर के अलावा शहर में वार्ड लेवल पर भी कमेटियों का गठन किया जाएगा। कमेटियां 8 मई से फील्ड में उतरेंगी और लोगों को खापों के फैसले के बारे में जागरूक करेंगी। इनकी नाराजगी महिला पहलवानों का मुद्दा और साथ ही किसान आंदोलन को लेकर है। इसी नाराजगी के चलते ये सर्वजातीय महापंचायत खापों की बुलाई गई थी। चरखी दादरी में इस बैठक के बाद ही फैसला हुआ कि बीजेपी जेजेपी उम्मीदवारों का विरोध किया जाएगा। बकायदा रणनीति बनाकर 8 मई से मैदान में उतरेंगे। उस मैदादरी शहर के सारे संगठनों की कमेटी थी, सारी खाप थी, तो उस कमेटी ने ही फिर ये फैसले लिए कि भाई नंबर एक फैसला तो उन्होंने ये लिया कि भाई जैसे 25 मई का चुनाव है, इस 25 मई के चुनाव में ये फैसले लिए कि भाई आने वाला पार्लियामेंट का चुनाव में जो भी बीजेपी और जेजेपी को जो हराने में सक्षम होगा, जो भी कैंडिडेट मजबूत होगा, जो इनको हरा रहा है उसको वोट करेंगे, इनको वोट की चोट मारेंगे।